मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशेंट डिवाइडिंग बाय पी एक्स बाय जी एक्स एज गिवन। आपको पी एक्स गिवन है एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 एंड जी एक्स इज गिवन दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए जो पी एक्स है वो यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 और जो जी एक्स जैसे डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखो, फर्स्ट हम देखेंगे एक्स की पावर कितनी है 4, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2। तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें एक्स की पावर मिनिमम कितनी चाहिए 2। तो एक्स की 2 को एक्स की 2 से करोगे तो एक्स की 4 हो जाएगा। हमें यहाँ चाहिए साइन प्लस का, यहाँ क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा लोगे नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए पॉजिटिव। तो माइनस एक्स स्क्वेयर को माइनस एक्स स्क्वेयर से करोगे तो एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वेयर को 2 से करोगे तो बन जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। क्लियर। अब इसके बाद इनके साइन चेंज करने होते हैं, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया प्लस, ये यहाँ से क्या हो गया कट, एक्स की 4 को एक्स की 4 से कट कर दो। अब देखिए 2 एक्स स्क्वेयर है, यहाँ कोई 2 है, यहाँ एक्स स्क्वेयर वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए 2 एक्स स्क्वेयर का 2 एक्स स्क्वेयर लिख दिया माइनस 5 एक्स प्लस 6। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वेयर के साथ, एक्स स्क्वेयर मैच हो गया, क्या रह गया 2, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस 2 से, माइनस 2 से, तो माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वेयर से करोगे तो प्लस 2 एक्स स्क्वेयर, माइनस 2 को प्लस 2 से करोगे तो माइनस के 4। उसके बाद साइन क्या करो चेंज, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, ये कट हो गया तो माइनस 5 एक्स और 6 प्लस 4 कितना आ गया 10। तो ये आपका क्या आ गया रिमाइंडर, माइनस 5 एक्स प्लस 10 आपका रिमाइंडर हो गया और आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। सो नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन डिवाइडिंग एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 वाई जी एक्स वी गेट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2 एक्स प्लस 4। फाइंड जी एक्स, हमने क्या फाइंड करना है जी एक्स क्या करना है फाइंड करना है। तो आंसर में देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है वी नाउ दैट पी एक्स हमारे पास क्या होता है, एक मेथड है एक तरह से, मान लीजिए क्या क्यू एक्स इंटू जी एक्स, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, आर एक्स मीन रिमाइंडर। क्लियर। तो ये होता है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पी एक्स की वैल्यू फिल करेंगे, देखो पी एक्स की वैल्यू क्या है दे रही और क्यू एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू, जी एक्स को जी एक्स रख लिया प्लस आर एक्स, आर एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स प्लस 4, माइनस टू एक्स प्लस 4। अब देखिए माइनस टू एक्स इधर है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का और 4 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू जी एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 एक्स, 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 जी एक्स। हमने जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स माइनस 2 से इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखिए एक्स की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जी एक्स। अब देखिए इसको इसके इससे डिवाइड करके देखिए ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपके पास जी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए डिवाइड कैसे किया, एक्स माइनस 2 है तो यहाँ एक्स की पावर 3 है तो हम क्या लेंगे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 को एक्स से किया एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 से किया तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो साइन चेंज करने पर इसके साथ एक्स की 3 के साथ एक्स की 3 क्या हो गया कैंसल, माइनस का 3 और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 एक्स माइनस 2। अब देखिए जहाँ माइनस 1 में एक्स से करोगे, माइनस एक्स को एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 2 से किया प्लस 2 एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब फिर साइन चेंज करेंगे, देखिए ये माइनस का है ये प्लस हो गया, ये प्लस का है ये माइनस हो गया, तो ये आपस में कैंसिल 3 माइनस 2 एक्स माइनस 2। अब उसके बाद 1 पे जाएगा, 1 को एक्स से किया एक्स, 1 को 2 से किया 2, माइनस है ही आगे, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, तो साइन कट होकर क्या बन जाएंगे जी 0। तो आपके पास ये जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आपके पास क्या आ गया जी एक्स। क्लियर। अब देखिए ये पी एक्स को कैसे लिखा है मैंने, दोबारा थोड़ा सा रिपीट में लिख लीजिए, ये आपका मान लीजिए 8 है, ये आपका है 3, या मान लीजिए 11 मान लीजिए, ठीक है 3 जा 9, यहाँ आ गया 2। अब ये 11 ये आपका 11 जो है मान लो पी है, क्या है पी एक्स, आपने पी एक्स लेके आना है, तो पी एक्स कैसे लेके आओगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपका, ये आपका क्या हो जाएगा क्या हुआ एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा जी एक्स, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, यानी कि पी एक्स सॉरी जी एक्स और क्या हुआ एक्स की मल्टीप्लाई,
थ्री जा नाइन, और प्लस में क्या करो आप, टू टू मीन रिमाइंडर, प्लस में क्या कर दो आर एक्स रिमाइंडर, तो आपके पास क्या आ जाएगा आपका पी एक्स आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेथड लगाया है, हम छोटी क्लासेस में भी ये चीजें करते रहे हैं। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ पी एक्स, आपको पी एक्स गिवन है इजिकल टू 3x पावर 4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। इसके टू जीरोज गिवन है √5/3 माइनस √5/3। तो इसके में हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल √5/3 एंड √-5/3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको पी एक्स के क्या है ये रूट्स गिवन है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस, ये प्लस का है, एक्स -5/√3 कर लेना, या एक्स +5/- या प्लस का 5/√3 कर लेना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी x² -5/3। तो ये अगर इसके जीरोज है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आपके पास जो टर्म आएगी वो इसका क्या होएगा फैक्टर होएगा। तो इसीलिए x² -5/3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल पी एक्स। तो आपको पी एक्स के इसका क्या है फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ये इसको पूरा पूरा क्या करेगा डिवाइड, तो डिवाइड कीजिए देखिए x² -5/3 और ये पी एक्स सारा लिख लिया, क्लियर। तो देखिए यहाँ 3x 4 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3x² से, x² पहले है, 3 को 3x² को x² से किया 3x की पावर 4, और 3 को 5 से किया 15, 15 को फिर 3 से डिवाइड करूंगा आ जाएगा 5, और x² साथ में है ही है -5x². उसके बाद हम क्या करेंगे साइन चेंज, ये इसके साथ कट, और देखिए 6x की पावर 3 माइनस का 2 और प्लस का 5 प्लस 3x² -10x - 5, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, हम 6 से डिवाइड करेंगे 6x से, 6x को x से किया 6x की 3, 6x को 5 से किया 6 5 जो 30, 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो -10x आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद साइन चेंज, 6x की पावर 3 और -10x आपस में क्या हो जाएंगे, ये 6x की 3 और -6x की 3 कैंसिल, -10x और +10x क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x² -5। उसके बाद किस पे जाएगा ये 3 पे, 3 को x से किया 3x² और 5/3 को 3 से किया तो आ जाएगा -5। साइन चेंज करने पे यहाँ पर कट होकर क्या आ जाएगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर। अब हमने बाकी जीरो फाइंड करने हैं, तो फोर अदर जीरोज, तो हम क्या रखेंगे इसको इक्वल टू क्या रखेंगे 0, 3x² + 6x + 3 इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0। अब देखिए 3 है इनमें कॉमन, 3 कॉमन निकाला क्या बन गया x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने 3 क्या लिया कॉमन, क्लियर। अब देखिए 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये x² + x 2x + 1 ये होल स्केयर बनता है किसका, x+1 का क्या बन गया होल स्केयर बनेगा, x+1 का क्या बन गया होल स्केयर। तो अब आपने क्या किया है 3x+1 का होल स्केयर है जिसको 2 टाइम्स लिखे x+1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद x+1 इज इक्वल टू 0 x+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो इसके रिमेनिंग जो जीरोज आ जाएंगे वो आ जाएंगे -1 एंड -1, क्लियर। तो इसकी देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो इसके कितने जीरोज होंगे 4, और 2 आपको गिवन है और 2 आपके पास और आ गए -1 एंड -1। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपने चेक करना है फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड का क्या है फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर का पता कैसे चलेगा, हम डिवाइड करके देखेंगे, तो t² - 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2t की 4 प्लस 3t² 3t की 3 माइनस 2t की 2 माइनस 90 माइनस 12 t² - 3² ठीक है। तो इसको इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करके हम देखिए यहाँ t की पावर 2 है यहाँ t की पावर 4 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2t की 2, 2 की 2 को t से करोगे t की 4 और 2 3 जा 6t², क्लियर। साइन चेंज हो जाएंगे ये इसके साथ कर 3t² और माइनस का 2 और प्लस का 6t 4t² माइनस 90 माइनस 12। अब देखिए +3 से 3 को t से किया 3t और t यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 3t को t² से किया 3t की 3 3 3 जा 90। उसके बाद फिर साइन चेंज ये इसके साथ कट और ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे कट, प्लस है माइनस हो गया
और ये यहाँ पर माइनस है, क्या हो गया प्लस, आपके पास बच जाएगा 4t² - 12, तो आगे किस पे जाएगा 4t² - 4 3 = 12, तो ये आपस में ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का, ये कट होकर क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2t² + 3t + 4, तो रिमाइंडर 0 बच गया, मीनिंग क्या हो गया, यस फर्स्ट पॉलीनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड। क्लियर, तो इस तरह से जब भी हमें चेक करना हो फर्स्ट पॉलीनोमियल फैक्टर है या सेकंड का नहीं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो इसको डिवाइड किया किससे, t² - 3 से, यानी कि सेकंड पॉलीनोमियल को डिविजिबल बाय कर दिखा दिया आपने किससे, t² - 3 से, 2t की 4 + 3t की 3 - 2t² - 9t - 12 इज डिविजिबल बाय t² - 3, आपने ये दिखा दिया, डिवाइड करके दिखा दिया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो यस फर्स्ट पॉलीनोमियल द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।